Good morning. Good morning. अब हम रेडी हो रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि एलन को चेकअप के लिए जाना है, क्योंकि इस जनाब ने बहुत ज़्यादा कैंडीज खाई हैं और इसने साथ खाए हैं बनानास, जिसकी वजह से रैशेज हो गए हैं और ये सारी रात सो नहीं सका। तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा, क्योंकि रैशेज बहुत ज़्यादा हैं और चलने में इसको तकलीफ़ हो रही है। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, फिर बताते हैं आपको। जी तो हॉस्पिटल से आ गए वापस हम, तो खैर स्पेशलिस्ट तो कोई नहीं मिला क्योंकि आज ऑफ है। तो एक डॉक्टर था, उसने चेक किया तो उसने कहा कोई ख़तरे वाली बात नहीं, बस आप कुछ मेडिसिन लिख के दिए कि इसको उसके साथ वॉश कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। अभी वो सो रहा है, रास्ते में सो गया था, तो जब उठेगा फिर इसको टब में बिठाएंगे तो खुदा फजल करेगा ठीक हो जाएगा। शरारतें कम की हैं आज उसने, क्योंकि वो जब चलता है तो उसको पेन होती है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन हॉस्पिटल में बड़ा एक्टिव था, सारे बच्चे वहाँ पे थे, किसी को टेम्परेचर था तो वो सारे। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप इस तरह करें, आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, इसको टेम्परेचर नहीं है, ये ना हो कि कहीं इसको वायरल फ्लू हो जाए, तो आप इसको दूसरी साइड पे ले जाए, तो हम डॉक्टर को वहाँ पे भेज देते हैं। तो उन्होंने ये हमें प्रेफर किया कि आप दूसरी साइड पे जाएं, हम उधर गए, फिर उसने चेक किया और हम वहीं से वापस आ गए थे। फिर मैं और अदलीना के साथ गया मेडिकल स्टोर पे, मेडिसिन ली उसकी, और मेरे आने से पहले पहले उसकी माँ ने प्लान बना लिया कि हम जाएंगे जी आज स्नो स्केटिंग के लिए। तो अदलीना और उसकी माँ और उसकी सिस्टर और उसके बच्चे, ये सारे गए हैं स्नो स्केटिंग के लिए, क्योंकि एलन को हम लेके नहीं जा सकते थे और ऐशीज़ की वजह से, क्योंकि उसे चलना मुश्किल है, तो इसलिए मुझे घर रहना पड़ा। जब वो आएगी तो वीडियो होंगी उसके फ़ोन में, मैं वो भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक आपको, जब उठता है तो देखते हैं क्या है इसका, क्या करता हूँ।